सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये है आपकी हिंदी की कक्षा और हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने पढ़ा था इसके बाद क्या आएगा, और आज हम व्यंजनों के दो नए अक्षर सीखेंगे। वो दो नए अक्षर कौन से हैं बच्चों, आइए मैम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अक्षर श और ये है अक्षर स। श से षष्ठ मतलब नंबर सिक्स, स से सपेरा, स से सांप। अब आप इन्हें बनाएंगे कैसे, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं बच्चों, ये मैम आपको बनाना सिखाएंगे, आइए मेरे साथ। अक्षर श बनाना बहुत ही आसान है। पहले आप क से पतंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें बीच में तिरछी रेखा खींच दीजिए। और क से पतंग तो आपने पहले ही बनाया है, तो हुआ ना बहुत आसान। अब आइए मैम आपको बताते हैं अक्षर स आपको बनाना कैसे है। आपने बनाया है र से रस्सी, तो पहले आप इसमें बनाइए र से रस्सी, उसके बाद आड़ी रेखा और खड़ी रेखा खींच दीजिए। ये बन जाएगा आपका अक्षर श। तो आइए बच्चों, अब हम आपकी हिंदी की किताब से अक्षर श और अक्षर स चित्रों के साथ बोलेंगे, और उसके बाद आपकी हिंदी की कॉपी से कॉपी में अक्षर श और अक्षर स बनाएंगे। तो बच्चों आपकी हिंदी की किताब निकालिए। बच्चों ये देखिए, ये है आपकी हिंदी की किताब अक्षर ज्ञान। अक्षर श और अक्षर स हम आपकी किताब से पढ़ेंगे, वो भी चित्रों के साथ। तो पेज नंबर 35 खोलिए, डेट मेंशन करिए 4.2.2022 C.W. classwork। ये है अक्षर श, ये है अक्षर श। श से षटकोण, श से षष्ठ, नंबर सिक्स को बोलते हैं षष्ठ। श से षष्ठपद, ये किसका पिक्चर है, हाउस फ्लाई यानी मक्खी। इसके छह पैर हैं, 1, 2, 3 और 3 इस साइड पर हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं षष्ठपद। श से षष्ठपद, श से षष्ठ चरण, षष्ठ चरण का मतलब होता है 6 legs। अगला अक्षर देखिए, अगला अक्षर है अक्षर स। अक्षर स, स से सपेरा, स से सेब, स से संतरा, स से सब्जी। तो ये हैं दो अक्षर जो हम आज पढ़ेंगे, अक्षर श और अक्षर स। आपको भी इसी तरीके से अपनी हिंदी की किताब से रीडिंग करनी है। ओके बच्चों, तो अब अपनी हिंदी की किताब बंद करिए और हिंदी की कॉपी निकालिए जिसमें हम ये दोनों अक्षर बनाना सीखेंगे। पेज नंबर 7 खोलिए और डेट मेंशन करिए 4.2.2000